हेलो फ्रेंड, आज गैरेज में आया यामा लिब्रो बाइक। ये बाइक में कंप्रेसर नहीं था, बिल्कुल गाड़ी चालू नहीं हो रहा था। और इसका हेड मैंने खोला है, खोल के देखा तो उसका वाल लीकेज था। अब इसमें नया वाल डाला है। नया वाल डालने के बाद में इसका टाइमिंग कैसा लगाना है ये आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। बोल लगा वाल लीकेज था, वाल मैंने नया डाला और एक गाइड ख़राब था। दोनों गाइड में भी नया डाला। अभी हेड फिटिंग कर दिया है। ये उसका टाइमिंग है, देखो ये इसका टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग है ये। इसका ऊपर के 17 नंबर का एक नट होता है, उसको अच्छा तरह से टाइट कर देंगे। ये जो ऊपर का निशाना है और ये वाला निशाना है टाइमिंग व्हील में, ये सीधा रहना चाहिए। अभी गाड़ी का सारे चीज़ हमने फिटिंग कर दिया है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुआ है। अभी गाड़ी हम चालू करने वाला है। क्योंकि ये गाड़ी चालू नहीं होएगा, क्योंकि इसमें जो कोई डुप्लीकेट प्लग डाल के रखा है, तो ये सादा लोकल प्लग है। इसको हमने अभी कंपनी का ओरिजिनल प्लग डालेंगे, बॉस कंपनी का। ये देखो, ये लोकल प्लग है। सारे चीज़ फिटिंग करने के बाद में गाड़ी चालू नहीं हुआ है। गाड़ी चालू हो गया, थोड़ा झटका मारा गाड़ी, तो अभी इसमें बॉस कंपनी का प्लग डालेंगे। देखो पूरा अच्छे तरह से रेस लेगा और गाड़ी अच्छा हाफ किक में चालू हो जाएगा। देखो बस आज छुट्टी है क्या? अभी गाड़ी आप किस में जाओ? ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा लगे तो शेयर करो, कमेंट जरूर करो, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग के पास आते रहेगा और आपको देखने को मौका मिल जाएगा।